दोस्तों, बरमूडा एक अनसुलझा रहस्य पार्ट वन में हमने जाना कि अब तक ना जाने कितने अनगिनत समुद्री जहाज और विमान बरमूडा ट्रायंगल में समा चुके हैं और उनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं पार्ट टू में हमने जाना कि बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गुम होने को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, जिन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं आज के पार्ट में हम जानेंगे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए वे तर्क जो बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों और विमानों के गायब होने को लेकर हो सकते हैं, और ये तर्क वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद दुनिया के सामने रखे हैं। आइए जानेंगे वे तर्क जो बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। बरमूडा ट्रायंगल एक खतरनाक क्षेत्र है, इस बात को बहुत से लोग नहीं मानते। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और इनमें से बहुत सी कहानियां मनगढ़ंत होती हैं। उनके अनुसार इस क्षेत्र में होने वाली घटनाएं अन्य क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं की तरह ही है और इनमें किसी भी तरह का रहस्य नहीं है। अरिजोना विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के लेखक लॉरेंस डेविड कस्च का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल को रहस्यमय क्षेत्र बनाना कुछ सनसनी फैलाने वालों का काम है, जिन्होंने अपनी किताबें बेचने और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां फैलाई हैं। मौसमी प्रभाव और भौगोलिक स्थिति। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भयानक और अचानक ही तूफान आते हैं। यहाँ का मौसम इतनी तेजी से बदलता है जिनकी पहले से कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यहाँ पर आने वाले तूफान छोटे लेकिन बहुत ही तेजी से बनते हैं और बहुत ही तेजी के साथ खत्म भी हो जाते हैं। ये सब इतनी जल्दी होता है कि मौसम निगरानी उपग्रह भी इसकी चेतावनी नहीं दे पाते। साथ ही इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े और भयानक बवंडर बनते हैं जो किसी भी जहाज को आसानी से डुबो सकते हैं। ये बवंडर ऐसे होते हैं कि समुद्र की सतह का पानी हवा में हजारों फीट तक उछल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर समुद्र की सतह में भूकंप भी आते रहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक महाद्वीप की कम गहराई वाले से बढ़ते हुए अत्यधिक गहराई वाले समुद्र का भाग है। दुनिया की सबसे गहरी खाइयां अधिकतर इसी क्षेत्र में है और इन खाइयों में डूबने वाले जहाजों और विमानों का कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। समुद्री जलधाराएं। समुद्र के ऊपरी सतह पर जब एक विशाल जलराशि निश्चित दिशा में जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगती है तो इसे जलधारा कहते हैं। इनके पैदा होने के कई कारण हैं, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, लवणता, तापमान में भिन्नता और वर्ष भर चलने वाली हवाएं। बरमूडा ट्रायंगल में बहने वाली ये समुद्री जलधाराएं अत्यंत तेज और अशांत होती हैं। ये धाराएं किसी भी नौसिखिया नाविकों के लिए जहाज चलाते समय बहुत ही परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। कुछ क्षेत्रों में इनका प्रभाव करीब 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बहता है, जो इतना अधिक है कि अगर नाविक इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वे अपने लक्ष्य से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे और अगर इस दौरान कोई दुर्घटना होती है तो धाराओं का ये प्रभाव उनके जहाजों को कहां ले जाकर छोड़ेगा उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, समुद्र में होने वाली विमान दुर्घटनाओं के अनुसार 50% से अधिक दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों की वजह से होती हैं। इनमें से कुछ पायलट ऐसे होते हैं जो ऐसी खतरनाक स्थिति में जल्दी निर्णय नहीं ले पाते, नतीजा वे ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। कंपास में गड़बड़ होना। बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है कि क्षेत्र में कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर की बजाय वास्तविक उत्तर की ओर इशारा करती है। ऐसी दुनिया में सिर्फ दो ही जगह होता है, पहला बरमूडा ट्रायंगल और दूसरा डेविल सी में। इन दोनों क्षेत्रों में नेविगेशन सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करते और समुद्री जहाज और विमान अपने रास्ते से भटक जाते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं। नेविगेशन सिस्टम के ठीक तरह से काम न करने के पीछे जो वजह है वो है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। कहा जाता है कि अगर आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे तो आप मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन
यानी चुंबकीय अधोन्नति की वजह से 20 डिग्री तक अपनी मार्ग से भटक सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एक वक्त था जब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बरमूडा क्षेत्र में था, लेकिन अभी ये इस क्षेत्र में मौजूद न होकर मेक्सिको की खाड़ी में है और वे चुंबकीय अधोन्नति को हादसों के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। मीथेन गैस। कार्डिफ विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की तलहटी में मीथेन गैस के भंडार मौजूद है। यह गैस मरे हुए समुद्री जीवों के विघटन से बनती है। समुद्र के तल में कुछ जीवाणु इस मीथेन गैस को मीथेन हाइड्रेट में बदल देते हैं, इसलिए इस ठोस मीथेन हाइड्रेट की परत मीथेन गैस को जकड़ लेती है। समुद्र में बनने वाला यह हाइड्राइट जब अचानक किसी कारण से फटता है तो अपने आसपास के सभी जहाजों को अपनी चपेट में ले सकता है, और यदि इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हुआ तो यह बड़े से बड़े जहाज को भी डुबो सकता है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब हाइड्राइट के विस्फोट के कारण डूबा हुआ जहाज जब समुद्र की अतल गहराई में समा जाता है तो वहां पर बनने वाले हाइड्राइट की तलहट के नीचे दबकर गायब हो जाता है, और इस तरह से गायब हुए जहाज का बाद में कोई पता नहीं चलता। ऑस्ट्रेलिया में हुए एक शोध में यह बात भी सामने आई है कि समुद्र के एक बड़े क्षेत्र में मीथेन गैस की बहुलता है और उससे उठने वाले बुलबुले किसी भी जहाज के डूबने का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये बुलबुले पानी के घनत्व को कम कर देते हैं जिससे कोई भी जहाज आसानी से डूब सकता है। इस क्षेत्र में विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मीथेन बड़ी मात्रा में वायुमंडल में फैलती है तो उसके क्षेत्र में आने वाले विमान का मीथेन की सांद्रता के कारण इंजन में ऑक्सीजन का अभाव हो जाने से इंजन बंद हो जाता है। इसी के साथ यह विमान एक प्राणहीन पक्षी के समान समुद्र में आकर गिरता है। इसके अलावा सतह से ऊपर उठने वाले गुबार में 5-10% तक मीथेन होती है। यह ज्वलनशील होने के कारण इंजन को एकदम बंद कर उसे निष्क्रिय कर देती है, और ऐसी दशा में विमान चालक का नियंत्रण उस विमान से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो विमान समुद्र की अनंत गहराइयों में समा जाता है। समुद्री डाकू। बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाले जहाजों के लिए समुद्री डाकू भी एक वजह हो सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर सोमालियाई डाकुओं के बारे में सुनते ही रहते हैं। दोस्तों, समुद्र में ये बरमूडा ट्रायंगल भले ही खतरनाक रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल से होकर कोई समुद्री जहाज और विमान नहीं गुजरता हो। इस क्षेत्र में हवाई और समुद्री यातायात बहुतायत में रहता है। यह समुद्री इलाका दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री जलमार्ग है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और कैरेबियन द्वीपों के लिए रोजाना कई जहाज निकलते हैं। यही नहीं, फ्लोरिडा, कैरेबियन द्वीपों और दक्षिण अमेरिका की तरफ जाने वाले कई जहाज भी यहीं से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि इतने व्यस्ततम यातायात के बावजूद कोई जहाज अचानक गायब हो जाए या कोई विमान दुर्घटना का शिकार हो जाए और किसी को भनक ही ना लगे। दोस्तों, क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई इतना रहस्यमय है जितना इसे दिखाया जाता है? वैसे यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि साल 2013 में एक संस्था वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक स्थानों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल का नाम नहीं था। यानी दुनिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थान समुद्र में है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ घटनाएं तो बरमूडा ट्रायंगल से दूर घटी थी, लेकिन लोगों ने उसे भी बरमूडा ट्रायंगल के साथ जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये खतरनाक जगह नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक जगह है, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आखिर क्यों यहाँ जो जहाज दुर्घटना का शिकार हुए थे उनका मलबा या लोगों के शव बरामद नहीं हो सके। लेकिन एक बात ये भी है कि समुद्र बहुत बड़ा है और किसी भी चीज को इसमें खोजना इतना आसान भी नहीं है। खैर, जो भी हो, आपने बरमूडा ट्रायंगल के तीनों पार्ट देखे, और आपको क्या लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे क्या वजह हो सकती है? आप मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को
बिना किसी समस्या के देख सके। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।